चार टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को पहले मैच में 8 विकेट से हराकर 1-0 से बढ़त ले ली है। दूसरे टेस्ट मैच में टीम के कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज पेसर मोहम्मद शमी टीम से बाहर हो गए हैं। दूसरा टेस्ट मेलबर्न में 26 दिसंबर से है। इस मैच में टीम इंडिया के कई बदलाव कर सकती है। इस मैच में मोहम्मद शमी की जगह मोहम्मद सिराज को टीम में जगह मिल सकती है। शमी चोट की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्हें बल्लेबाजी करने के दौरान चोट लग गई थी। वहीं पृथ्वी शाह और रिद्धिमान शाह की जगह पर शुभम गिल और केएल राहुल को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम डेविड वार्नर की भी वापसी कर सकती है। वो चोट से उभर कर दूसरे टेस्ट के लिए टीम के साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें, भारतीय कप्तान विराट कोहली फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद पेरेंटल लीव पर चले जाएंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर बर्न्स ने कहा, कोहली और मोहम्मद शमी न होना टीम के लिए बड़ा नुकसान है, लेकिन मेरा मानना है कि टीम इंडिया मेलबर्न 10 से वापसी करने का प्रयास करेगी। टीम इंडिया काफी मजबूत है, ऐसे में वह मेलबर्न 10 के चुनौती देने के लिए तैयार है। बर्न्स ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से ओपनिंग करते हुए दूसरी पारी में नाबाद 51 रन बनाए थे।